तो बच्चों, आज हम बात करेंगे अपनी किस्मत के बारे में। किस्मत कैसे हमारे इन हाथों के बीच में होती है, पर हम उसे देख नहीं पाते या परख नहीं पाते, पर होती सबके उनके हाथों में है। सर मैं, अरे यार, कोई और ही हाथ खड़ा कर देता, पर यही क्यों हर बार? हाँ बोलो। सर मुझे अपनी किस्मत को अपने हाथ में नहीं रखना। बेटा ऐसे नहीं कहते, किस्मत सबकी उनके हाथों में होती है। सर सबको रखना है रखे, पर मुझे नहीं रखना। पर क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? सर मुझे आप एक बात बताएं, जब भी आप वॉशरूम में फ्रेश होने जाते हैं तो आप अपनी तशरीर को किससे साफ करते हैं? वो मैं वो हाथ से, राइट? हाँ, सेम टू सेम। तो इसका मतलब सर यही हुआ ना कि आप अपनी किस्मत को दिन में 2-3 बार गंदा करते हैं और 2-3 बार उसको साबुन से भी धोते भी हैं। तुम्हें कहना क्या है वो बताओ। मैं तो सर बस यही कहना चाहता हूँ कि सबको ना ये झूठ का पाठ पढ़ाना छोड़ दो कि किस्मत हमारे हाथ में लिखी हुई है तो वही मिलेगी हमें। बिल्कुल नहीं, किस्मत हमारे साथ में लिखी नहीं हुई, बल्कि हमने जो रास्ता चुना है हमें उसके साथ ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि जिंदगी में जब आप मेहनत करोगे ना तो उसका फल मिलता है। ये नहीं कि घर में बैठ के मैं बोलूँ कि हाँ मेरे को पैसा आ जाए, बिल्कुल नहीं आता सर। किस्मत वो वैसे काम नहीं करती। अगर आप किसी चीज़ के ऊपर मेहनत करते रहोगे, काम करते रहोगे, तो कभी ना कभी वो चीज़ चमकेगी जिसको हम कह रहे थे बाद में कि किस्मत। ये मत कहो कि सर हमारी किस्मत हमारे हाथ में लिखी हुई है, ये लिखी नहीं होती, इसको बनाना पड़ता है, हमें कमाना पड़ता है इस चीज़ को। सर 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 मैं बैठ जाऊँ? हाँ बैठ जाओ, पर आज तुम खा के क्या आए थे जो इतनी ज्ञान वाली बातें कर रहे हो? सर हमारे घर में ना कल झगड़ा हुआ था, 2 लफ्जों में मुझे अपनी ज़िंदगी समझ में आ गई कि हमें वक्त के साथ ही जीना है और मरना भी वक्त के साथ ही है। हमने एक्चुअली इस वक्त के अंदर बंध चुके हैं, इसलिए हमने हमें जो हमें ज़िंदगी मिली है हमें इसे ही एक्सेप्ट करके इसको आगे लेके जाना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए, बस और कुछ नहीं। अरे सर।